कॉलोनी कट रही है, प्लॉट खाली खाली, आपने उसकी डिमार्केशन कैसे लेनी है, इसके ऊपर बात करूंगा। और हम ट्रेनिंग में भी विशेष तौर पर ये चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बार गड़बड़ हो जाती है कि प्लॉट हमारा कोई होता है और कब्जा कहीं भी चला जाता है। हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज जो मैंने लिखा है डिमार्केशन ऑफ प्लॉट और लैंड, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, प्लॉट परचेज करते हो, लैंड परचेज करते हो, घर बना हो तो बात अलग है, घर में तो पहले डिमार्केशन लेके बनाया होता है, लेकिन यदि प्लॉट खाली पड़े हैं, वहाँ पर नई कॉलोनी कट रही है, प्लॉट खाली खाली, आपने उसकी डिमार्केशन कैसे लेनी है, इसके ऊपर बात करूँगा। और हम ट्रेनिंग में भी विशेष तौर पर ये चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बार गड़बड़ हो जाती है कि प्लॉट हमारा कोई होता है और कब्जा कहीं भी चला जाता है। ये मैं आपको अपने 1995 की एक बात सुनाता हूँ। हमारे मोहाली में 11 फेज में 800 नंबरों में प्लॉट थे, दो 10-10 मरले के, और दोनों प्लॉट गहरे थे बहुत ज़्यादा, मतलब कमांडो बना हुआ है वहाँ पर, कमांडो के सामने थे वो, प्रेफरेंशियल प्लॉट तो नहीं आते थे तब, लेकिन आज तो मतलब सारा पूरे तरह डेवलप हो गया, कहीं कोई चीज़ बची नहीं है। तब वो प्लॉटों के ग्राहक बहुत कम लगते थे, 807 और 808 नंबर के आसपास ऐसा नंबर था कोई, तो वो बंदे ने किसी ने प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेते वक्त उसको मतलब मौके पर देखा नहीं कि कौन सा प्लॉट है कौन सा नहीं, 10 फुट गहरा प्लॉट था। तो प्रॉपर्टी डीलर से बात करी कि सर यदि आप अलाउ करो कि हम मिट्टी गिरवा लें प्लॉट में, वो कहते जी गिरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मालिक से बात करी, मालिक ने उसमें मिट्टी गिरवाने के लिए उनको हाँ कर दी कि गिरवा दो। तो जब उसने जाके प्लॉट में मिट्टी गिरवाने की वाली बात हुई, तो मिट्टी साथ वाले प्लॉट में गिरवा दी, मतलब डिमार्केशन नहीं ली, जैसे ऐसे ऐसे प्लॉट थे, ये रोड थी और इस तरीके से प्लॉट थे, ये इस तरीके से, मतलब ये भी गहरा प्लॉट, ये भी गहरा, मिट्टी इसमें गिरवा दी और खरीदा ये था। तो आप जाके फिर वो झगड़ा करने लगा डीलर, प्रॉपर्टी डीलर को कहने लगा कि प्रॉपर्टी डीलर ने जब उसको पॉइंट आउट किया कि तुमने तो गलत प्लॉट में मिट्टी गिरवा दी, कहता जी आप इसको मालिक को बात करो जी, मेरे को पैसे लेके दो इससे। वो कहता गलती तो तुम्हारी है, साथ वाला बंदा पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, पैसे देगा या नहीं देगा, ये तो हम पर डिपेंड नहीं करता, सामने वाले पर डिपेंड करेगा। यदि तुमने गलत प्लॉट में मिट्टी गिरा दी है, तो अगला कहेगा तो मैंने कब कहा तेरे को मिट्टी गिरा दे, मैं पैसे क्यों दूँ, अच्छा भला आदमी हुआ तो दे भी देगा, लेकिन एक काम तो मतलब छेड़ दिया ना कि आपने, आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, उसकी जाके उसको समझाना पड़ेगा सर हमारे से गलती हो गई, ये हो गया, मतलब काम तो बड़ा छेड़ दी। इससे बचने के लिए डिमार्केशन है, जो डिमार्केशन करनी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो, एग्रीमेंट के ऊपर ही डिमार्केशन ले लो तो बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर लोग एग्रीमेंट के ऊपर, हमें मतलब कब्जा नहीं मिलता, मतलब उसका जो पोजेशन है नहीं मिलता, लेकिन जो मिल सकता तो ले लेना चाहिए, नहीं मिलता तो कम से कम जिस दिन हमारी रजिस्ट्री होनी है, रजिस्ट्री से 2 दिन पहले 3 दिन पहले तो कब्जा हमें लेना ही चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि उसमें प्रॉब्लम हो और हम पार्टी को पैसे दे दें, पार्टी पैसे लेके निकल जाएगी और आप फिर उसके पीछे पीछे घूमते रहोगे। जैसे इस तरीके से ये छोटी सी गलती, छोटी सी थी ये, लेकिन काम तो हो गया ना गड़बड़, 807 नंबर प्लॉट लिया और 808 में मिट्टी गिरवा दी, तो 807 नंबर में वाला बंदा है जो 808 वाले को कहाँ ढूंढेगा कि यार मेरे से गलती से तेरे प्लॉट में मिट्टी गिरवा दी, मेरे को पैसे दे। और सामने वाला बंदा पता नहीं पैसे देगा कि नहीं, वो कहेगा मैंने कब कहा है तो मेरे प्लॉट में मिट्टी गिरो, ज़्यादा कहेगा अपने उठवा लो यहाँ से, और उठवाने में फिर उसके जाके पैसे उसके फिर लगेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना, यदि आप डिमार्केशन के बारे में पर्टिकुलर हो जाओगे, ये मैं ट्रेनिंग में भी बताता हूँ, बहुत बार बताता हूँ, और वैसे भी जनरल वीडियो में भी ये मैं बताता हूँ कि आप जब भी कोई इस तरीके की प्रॉपर्टी लेते हो तो डेफिनेटली डिमार्केशन के बारे में ज़रूर कन्फर्म हो। पटवारी से डिमार्केशन ले लो, अथॉरिटी या जो कोई और अथॉरिटी है, जैसे हमारे पुड्डा गमाडा के प्लॉट हैं, अथॉरिटी से जो है आपको पता लग जाए कि आपका प्लॉट कहाँ से शुरू होता है, या किसी जानकार से पता कर लो कि अपना प्लॉट कहाँ से कहाँ चला जाएगा जब खाली प्लॉट पड़े होते हैं। तो वैसे तो पुड्डा में तो हमारा जे ही जाता है मतलब कब्जा देने के लिए,
लेकिन जब एक बार कब्जा ले लिया तो आगे जब प्लॉट बिका तो फिर जे ही नहीं जाता, फिर तो अंदाजा ही होता कि ये प्लॉट है। यदि आपको ये चीज़ करनी आ जाएगी, आपको डिमार्केशन करनी आ जाएगी, तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं घटेंगी, और ये नहीं घटेंगी तो आपका पैसे का भी नुकसान नहीं होगा और पीस ऑफ माइंड भी आपका मेंटेन हो जाएगा। छोटी सी बात है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और आप इसको ज़िंदगी में उतारोगे ताकि आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो। आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चर्चा करना इसके ऊपर। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा आपके सामने, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। बहुत जल्द मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।